नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डर्मा वन क्लिनिक में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। हम जानेंगे कि एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या क्या इलाज हो सकते हैं, या क्या क्या आप घरेलू इलाज कर सकते हैं, घरेलू इलाज करने भी चाहिए या नहीं। एलोपेशिया एरियाटा एक बहुत ही कॉमन बालों की समस्या है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है, ये क्यों होता है। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके शरीर की इम्यूनिटी, ऐसे सेल्स जो कि इन्फेक्शन को रोकने में, बैक्टीरिया वायरसेस को मारने में काम आते हैं, वो बाय मिस्टेक आपके बालों को डैमेज करने लग जाते हैं टेम्परेरीली। तो आपके सिर के, आईब्रो के, पलकों के, बगल के, छाती के, पूरी बॉडी में जहाँ पे भी आपके बाल हैं वहाँ पर ये इम्यून सेल्स आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं। ये टेम्परेरी डैमेज होता है, जहाँ पर भी ये इम्यून सेल्स इन बालों को अटैक करते हैं वहाँ पर ये हेयर टेम्परेरीली डैमेज होके गिर जाते हैं और आपको नज़र आता है कि एक छोटा गंजेपन का पैच बन गया है। सर्कुलर होता है ये यूजुअली शेप में, और ये कहीं पर भी हो सकता है शरीर में, बट सर पर होना सबसे कॉमनली देखा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये हेयर लॉस टेम्परेरी है, यानी आपके हेयर, अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा है तो वो परमानेंटली डैमेज नहीं होते हैं, वो हेयर वापस रीग्रो कर जाएंगे, कई बार इलाज के साथ, कई बार बिना किसी इलाज के भी। इसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा, जैसे मैंने बताया, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो इसके साथ और ऑटोइम्यून डिजीज़ भी संबंधित होती हैं, जैसे कि कभी कभी डायबिटीज़, थायराइड की प्रॉब्लम्स, स्किन की एलर्जीज़, ऐसी कई सारी बीमारियां संबंधित हो सकती हैं, प्रेजेंट हो सकती हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें एलोपेशिया एरियाटा है। इसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा जेनेटिक भी हो सकता है। यदि आपकी फैमिली में किसी को एलोपेशिया एरियाटा है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी एलोपेशिया एरियाटा हो। अब हम बात करते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया, सबसे कॉमन जो इसका रूप है वो पैची हेयर लॉस के तौर पर है, यानी आपको एक स्मूथ बॉल्ड गंजेपन का पैच नज़र आएगा सिर पर आमतौर पर, जो कि सर्कुलर होता है यूजुअली शेप में और इसमें कोई भी बाल नहीं होता है। ये सबसे कॉमन टाइप है। कभी कभी ऐसे बॉल्ड पैचेस बियर्ड में या कहीं और भी हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी बॉडी में हेयर हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जो टाइप्स होते हैं उनमें कई बार पेरिफेरल पैटर्न्स भी देखे जाते हैं, यानी कि आपका जो सिर है उसके जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में से हेयर लॉस हो सकता है। कई बार पूरे सिर में से भी बाल जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में इसको एलोपेशिया टोटालिस कहते हैं। कई बार पूरे शरीर के बाल, यानी कि आपके सिर, आईब्रो, बियर्ड, बाजू, पूरे शरीर के बाल जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में इसको एलोपेशिया यूनिवर्सालिस कहा जाता है। एलोपेशिया एरियाटा की डायग्नोसिस बहुत सिंपल होती है, आपके डॉक्टर आपको देखते ही बता सकते हैं कि ये एलोपेशिया एरियाटा है। कई बार कभी कभी कुछ एक टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं इलाज की। जैसे मैंने बताया, ये एक टेम्परेरी टाइप का हेयर लॉस है, तो हेयर ग्रोथ करीब करीब 100% पॉसिबल होती है। तो अगर आपको पैची हेयर लॉस है, छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पर हेयर लॉस हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 100% रीग्रोथ मिल सकती है 6 से 8 महीनों में। कुछ एक पैटर्न्स, जैसे मैंने बताया, ऊफियासिस पैटर्न, जिसमें आपके साइड से बाल चले जाते हैं, ये वाले पैटर्न्स में हेयर ग्रोथ अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दवाइयों से रिजल्ट बहुत अच्छे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार एलोपेशिया टोटालिस और एलोपेशिया यूनिवर्सालिस में भी रिजल्ट्स को लाना बहुत मुश्किल होता है। उफियासिस, एलोपेशिया टोटालिस, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, इन सभी पैटर्न्स में दवाइयों से कई बार हेयर आ भी जाते हैं तो भी दवाइयां बंद करने पर वापस भी जा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इन सब पैटर्न्स में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी एलोपेशिया एरियाटा में ये भी होता है कि हेयर ग्रोथ अपने आप भी हो जाती है बिना किसी इलाज के, ये लेकिन बहुत लंबा समय लेता है आमतौर पर, इसलिए ट्रीटमेंट हमें देना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं एलोपेशिया एरियाटा के इलाज के बारे में। एलोपेशिया एरियाटा का इलाज निर्भर करता है इस चीज़ के ऊपर कि आपको एलोपेशिया एरियाटा कितना एक्सटेंसिव है, यानी अगर आपको छोटे छोटे पैचेस हैं तो आमतौर पर क्रीम्स लगाने से या कुछ एक इंजेक्शन से ही ठीक हो जाता है। अगर आपको बहुत एक्सटेंसिव डिजीज़ है, एलोपेशिया टोटालिस है, यूनिवर्सालिस है, तो उस सिचुएशन में टैबलेट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन टाइप है, यानी पैची हेयर लॉस, उसकी बात करते हैं। पैची हेयर लॉस में, जैसे मैंने बताया, क्रीम्स, इंजेक्शन वगैरह की ही ज़रूरत होती है। सबसे कॉमनली जो यूज़ होने वाली ट्रीटमेंट है वो है स्टीरॉयड इंजेक्शंस। इसमें ट्राइमसिनोलोन नाम की एक मेडिसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं स्कैल्प में। ये यूजुअली महीने में एक ही बार दिए जाते हैं। करीब 2 से 3 ऐसे इंजेक्शंस लेने के बाद, यानी 2 से 3 महीने बाद, आपको एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। कभी कभी कुछ एक पेशेंट्स स्टीरॉयड इंजेक्शंस नहीं लेना चाहते हैं स्कैल्प में, स्पेशली बच्चे,
तो उस स्थिति में हम स्टेरॉयड की क्रीम्स भी दे सकते हैं। स्टेरॉयड क्रीम्स लगाने से भी थोड़ा सा धीरे रिस्पॉन्स आता है, बट रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है। इसके अलावा कुछ एक लोशंस होते हैं जैसे मिनोक्सिडिल, जो कि आमतौर पर पुरुषों के गंजेपन या महिलाओं के गंजेपन में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है, ये भी इस्तेमाल की जाती है एलोपेशिया एरियाटा को ठीक करने में। उसके अलावा कई सारी इरिटेटिंग यानी जलन पैदा करने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे एजिलिक एसिड, ट्रेटिनोइन, ये सब चीज़ें भी यूज़ करी जाती हैं एलोपेशिया एरियाटा को ठीक करने के लिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए सोरेलेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। सोरेलेंस प्लांट से डिराइव कुछ एक केमिकल्स होते हैं, इन्हें मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये लोशन फॉर्म में उपलब्ध होते हैं और टैबलेट्स में भी उपलब्ध होते हैं। तो इसको लोशन के फॉर्म में या तो आप सिर पे लगा सकते हैं डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर, या टैबलेट्स फॉर्म में अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप ले सकते हैं। जब आपने ये दवाई या तो लोशन के फॉर्म में लिया या टैबलेट के फॉर्म में लिया, उसके 30 मिनट से 2 घंटे बाद कुछ समय के लिए आपको धूप से एक्सपोज करने के लिए बोला जाता है, या फिर किसी यूवी लाइट के सोर्स से, किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट से एक्सपोज करने के लिए बोला जाता है। ऐसा करने से, बार बार करने से कुछ एक महीनों बाद आपको हेयर ग्रोथ मिल सकती है। उसके अलावा एक्साइमर लेज़र का भी उपयोग किया जाता है एलोपेशिया एरियाटा में हेयर रीग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव हेयर लॉस की, एक्सटेंसिव एलोपेशिया की। अगर आपको एक्सटेंसिव एलोपेशिया है तो हो सकता है आपको टैबलेट्स दी जाएँ। सबसे कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो हैं स्टेरॉयड टैबलेट्स। स्टेरॉयड टैबलेट्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं, लोअर कर देती हैं। जैसे मैंने बताया, स्टेरॉइड्स को इंजेक्शन और लोशन फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है एलोपेशिया एरियाटा में। तो आप जिस भी फॉर्म में एलोपेशिया एरियाटा में स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे, वो जिस एरिया में काम कर रहा है उसकी इम्यूनिटी लो करेगा। यानी अगर आप इंजेक्शन से या लोशन लगा रहे हैं तो केवल स्किन के उस एरिया की इम्यूनिटी लोअर हो जाती है। अगर आपको स्टेरॉइड टैबलेट्स दी जा रही हैं तो आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी लोअर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन होने का रिस्क भी रहता है, इवन दो स्टेरॉइड्स हेल्पफुल हैं। जैसे मैंने बताया, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो आपकी इम्यूनिटी ही बालों को डैमेज कर रही है, तो हमें इम्यूनिटी को लोअर तो करना पड़ेगा, पर इसको डॉक्टर के सुपरविजन के बिना नहीं करना चाहिए, वरना इम्यूनिटी इतना लो करने से इन्फेक्शंस होने का रिस्क, जैसे ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि, ये सब होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही स्टेरॉयड टैबलेट्स लेनी है अगर आपको दी जाती हैं तो। उसके अलावा कभी कभी बाकी इम्यूनोसप्रेसिव्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन भी दी जा सकती है, ये भी सिमिलर मेथड से ही एक्ट करती है, साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। इन सभी मेडिसिंस जैसे कि टैबलेट्स वगैरह को दिए जाने के समय कुछ एक टेस्ट करवाना भी ज़रूरी होता है, ताकि ये देखा जा सके कि आपको इन दवाइयों के कुछ एक साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो टैबलेट्स हैं इनको आप डॉक्टर के सुपरविजन के बिना ना लें। अब बात करते हैं कुछ एक सेकेंड लाइन थेरेपीज़ की। सेकेंड लाइन थेरेपीज़ से मतलब जो टैबलेट्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स या साइक्लोस्पोरिन, अगर इनसे रिस्पॉन्स ना आ रहा हो या फिर हम ये किसी पेशेंट में ना दे पाएँ, तो उस स्थिति में इन सब मेडिसिंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शामिल हैं रुक्सोलिटिनिब या टोफैसिटिनिब। ये सब मेडिसिंस के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अभी नहीं हुई हैं, तो बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होती हैं। इसके अलावा कुछ एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिंस भी होती हैं जो कि एलोपेशिया एरियाटा में इस्तेमाल की जाती हैं, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अभी नहीं हो पाई हैं। अब बात करते हैं घरेलू इलाजों के बारे में। काफ़ी सारे पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि वो घरेलू इलाज किस स्थिति में कर सकते हैं या नहीं, क्या वो अनियन जूस लगा सकते हैं या नहीं, या फिर वो गार्लिक जूस इस पर लगाएं या नहीं। देखिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब इरिटेंट्स होते हैं, इन सब को लगाने से आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपको परमानेंट स्कारिंग हेयर लॉस हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, एलोपेशिया एरियाटा तो टेम्परेरी है, इसमें हेयर लॉस अपने आप ही रिकवर कर जाता है कई बार बिना किसी इलाज के भी। लेकिन अगर आप इस पर ऐसी जलन पैदा करने वाली चीज़ें जैसे कि गार्लिक या अनियन लगाएंगे, तो हो सकता है वहाँ पर जलन पैदा होकर स्किन और हेयर परमानेंटली डैमेज हो जाएँ और आपको वहाँ पर दोबारा हेयर कभी ना मिल पाएँ। तो इसलिए इन सब रेमेडीज़ को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसके बावजूद अनियन जूस में केवल एक स्टडी हुई है जो मेरे नज़र में आई, वो स्टडी बहुत छोटे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में, बहुत ही कम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में की गई थी, और ये सिर्फ एक ही स्टडी ऐसी है, तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इस पर नहीं की गई हैं। उसमें ये देखा गया था कि अनियन जूस लगाने से कुछ एक हद तक इम्प्रूवमेंट मिली थी उसके रिटेंट इफेक्ट के कारण, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि इन सब रेमेडीज़ से दूर रहना चाहिए, इनसे आपको परमानेंट हेयर लॉस, हमेशा हमेशा के लिए हेयर लॉस हो सकता है। जहाँ तक गार्लिक या लहसुन की बात है, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको परमानेंट हेयर लॉस हो गया गार्लिक लगाने के बाद। तो गार्लिक मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ एलोपेशिया एरियाटा की ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको कभी भी स्कैल्प पर नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब एलोपेशिया एरियाटा के बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे मैंने कहा, एलोपेशिया एरियाटा एक टेम्परेरी हेयर लॉस है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता ना करें।
आप सिर्फ एक डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपके डॉक्टर अपना बेस्ट करके इसको हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसमें हेयर ग्रोथ करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आराम से ठीक हो जाएगा, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको एलोपेशिया एरियाटा के बारे में सभी जानकारी देने की कोशिश की है, पर फिर भी यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन हों तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। Please subscribe to our channel and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.